हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आंवला का मुरब्बा कैसे बनाते हैं। तो आइए रेसिपी को शुरू करते हैं और बनाते हैं आंवला का मुरब्बा। यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए मेरे वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। इस मुरब्बा को बनाने के लिए मेरी माँ भी मेरा हेल्प कर रही है और इसको फोक की हेल्प से इस तरह से इसमें सुराख बना रही है और इनके साथ मैं भी इनका हेल्प कर रही हूँ इस तरह से। एक फोक की हेल्प से इसमें अच्छी तरह से इस तरह से इसमें सुराख बनाएंगे पहले, क्योंकि आंवला बहुत कसैला होता है तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से होल करते समय जो भी हाथ में जूस आएगा वो इस तरह से मुट्ठी से बढ़िया से दबा दबा के इसको निकाल देंगे, ये देखिए, और फिर से होल करना शुरू कर देंगे। ये देखिए कितना सारा जूस निकला हुआ है इसमें, और इसी तरह से इसको होल करके हाथ से इस तरह से दबा दबा के सारा जूस मैंने निकाल दिया है। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम आंवला लिया हुआ था, तो 400 ग्राम आंवले में ये देखिए इतना सारा जूस निकला है होल करते समय। कटोरा में रखेंगे आधा लीटर के करीब पानी और इसमें डालेंगे एक चम्मच के करीब चूना, और सारे चूना में जो मैंने ये आंवले में होल करके रखा था चूना की पानी में इसको इस तरह से डाल देंगे और रात भर के लिए इसको इसी में छोड़ देंगे। ढक के इसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। पूरी रात मैंने आंवले को चूना में रखा था और ये देखिए दोस्तों, आंवला हमारा मुरब्बा बनाने के लिए अब तैयार हो गया है। चूना की पानी से निकाल के आंवले को अब 2 से 3 बार अच्छे पानी से धो लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 बार मैंने आंवले को सादा पानी से धो लिया है और आंवला बनाने के लिए अब बिल्कुल तैयार हो गया है। इधर पतीला में पानी भी गर्म हो गया है और सारे आंवले को गर्म पानी में डाल करके अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। आंवले को हाई टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक बॉयल करेंगे ताकि आंवला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। 4 मिनट हो गया है और आंवला को मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आंवला अच्छी तरह से पक गया है, हाथ से नहीं छूने पा रहे हैं, आंवला बहुत गर्म है अभी। अरे आंवले का पानी निकाल करके रख लिया है मैंने और ये देखिए आंवला बिल्कुल तैयार हो गया है अब बनाने के लिए। पैन में डालेंगे 400 ग्राम आंवला था तो 400 ग्राम यहाँ पर मैंने गुड़ लिया हुआ है और इसको डाल करके मेल्ट कर लेंगे। गुड़ को लो फ्लेम पर ही मेल्ट करना है, हाई फ्लेम पर करेंगे तो गुड़ जल जाएगा। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब जो आंवला मैंने बॉयल करके रखा था अब इसमें एक एक करके डाल देंगे। सारे आंवले को गुड़ में डालने के बाद इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक ढक के पकाएंगे। इसको एक बार अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये देखिए आंवले को इस तरह से अच्छी तरह से मिला दिया है और इसको ढक करके लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। दस से 15 मिनट हो चुका है और आंवला बहुत अच्छा से गुड़ में पक के तैयार हो गया है। इसके अंदर तक पूरा गुड़ चला गया है और बहुत अच्छा मुरब्बा बना हुआ है। ये अभी बहुत गर्म है, ये देखिए एक मुरब्बा आपको तोड़ के मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको बाउल में निकाल लेते हैं क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हाथ से इसको छूने नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा रेसिपी पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सर्दियों में सभी इस रेसिपी को बना पाएँ। बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और आंवला का मुरब्बा मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं एक आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना जूसी बना हुआ है और एकदम से अंदर तक पका हुआ है ये। ये देखिए इसको आप 2 या 4 दिन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप बना के तुरंत खा सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।